महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि कोई वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की इच्छा है। आज का वीडियो एक नॉर्मल सा छोटा सा वीडियो दूंगा, एक दो मिनट का, आपको एक प्यारा सा संदेश देने के। आज हमारे भारत में हनुमान जी का बड़ा चर्चा है, समझ रहे हैं, और हनुमान जी की भक्ति की तरफ लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। और क्यों ना हो भाई, हनुमान जी हमारे देवता ही ऐसे हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बल के देवता माने जाते हैं, ये कभी किसी से नहीं हारे, और ये बताया जाता है यही अमर हैं। और श्री राम ने कहा था, हनुमान अब मेरे सामने कलयुग को ख़त्म करके ही आना, तो वही कल्कि रूप में अवतरित होकर वही हनुमान होते हैं, वही कल्कि होते हैं और वही कलयुग का नाश करते हैं। दोस्तों हनुमान जी के बारे में आज कई लोग कुछ अच्छी बातें भी करते हैं तो कुछ गुमराह भी होते हैं हनुमान जी के नाम पर। दोस्तों आज मैं आपसे हनुमान जी के बारे में ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अभी हनुमान जी के बारे में हम आधा परसेंट भी नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं। आज मैं आपके साथ वो बात शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो कि हनुमान जी को लोग वानर समझते हैं कि वो बंदर थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है, हनुमान जी बंदर नहीं थे। बंदर क्यों बोला जाता है? बन दर, यानी उस दर का वन, परमात्मा के दर का वन। और वानर बोला जाता है, वानर यानी ये वा जो है वो नर हैं, यानी ये नर हैं हनुमान जी जो हैं। अब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको जहां ये बातें प्रमाणित बात चलती है वहां यकीन नहीं आता, लेकिन जहां कोई मुंह बोली बात बोल दे आपको यकीन आ जाता है। तो लेट मी शो यू, मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रमाण। सबसे पहले बता दूं, हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो मनुष्य रूप में थे, समझ रहे। अब हम देख लेते हैं दूसरी बात, ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको गूगल भी नहीं बताएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही आपको कोई हनुमान जी का भक्त ही ये बात बता सकता है। अब बात कर लेते हैं हनुमान जी की शादी पर, जब बात आती है तो लोग कहते हैं अरे भाई वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, 80% लोग कहते हैं वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा तुम सोच रहे होगे अरे भाई ब्रह्मचारी नहीं थे, एक शादी हुई थी उनकी, एक शादी हुई थी। हमें सुनकर ये अंदर से वो हो रहा होगा कि अरे भाई हमने पूछ लिया, एक शादी हुई थी। तो चालाक लोग जो हैं वो जानते हैं कि हनुमान जी की एक शादी हुई थी, और कुछ लोग मानते हैं कि वो उनका नाम सुवरचला था, सूर्य की पुत्री थी, उनसे शादी हुई थी। अब कुछ लोग और ज्ञानी मानते हैं, कहते हमें एक शादी के बारे में और पता है, हनुमान जी की एक नहीं, हनुमान जी की दो शादी हुई थी, कोई बात नहीं। फिर और आते हैं, हमें तुमसे ज़्यादा पता है, हनुमान जी की एक नहीं, दो नहीं, फिर तीन शादी हुई है, और तीन की तीन मैं आपको अभी गूगल पर दिखा सकता हूँ, अभी आप गूगल करोगे तो तीन की तीन शादियाँ गूगल पर आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं, ना तो हम वाली बात करेंगे जो गूगल बताता है, ना ही वो बात करेंगे जो आज के लोग बताते हैं, हम तो हमेशा डिफरेंट ही बात करते हैं और वही आज करेंगे। अब लोग कहते हैं हनुमान जी की एक नहीं, दो नहीं, तीन शादी हुई है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ हनुमान जी की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनसे भी अधिक पत्नियां थी, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप मानोगे? नहीं मान। इसीलिए मैं आपको आज एक प्रमाण दिखाना चाहता हूँ जो हमारे धर्मशास्त्रों में ही मौजूद है। हम अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ते नहीं और फिर हम इन्हें गलत साबित कर कर और हम खुद को सही साबित कर लेते हैं। असल में हमने अपने धर्मशास्त्रों को ढंग से पढ़ा ही नहीं, पढ़ा होता तो ये बात भी सबको पता होती, आज एक छोटे छोटे बच्चे युवा को भी ये बात पता होती। तो स्टार्ट कर दोस्तों, वाल्मीकि रामायण भाग दो पेज 1437 मैं आपके साथ शेयर करूँ, पेज आपकी स्क्रीन पर भी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं पढ़ रहा हूँ उसको। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर, यानी भरत जी खुश हो गए, उन्होंने बड़े वेग से हनुमान जी को पकड़ा और दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परम आनंद जनित विपुल अश्व बिंदु ओम से उन्हें नहलाने लगे, अश्व बिंदुओं से यानी अपने आंसुओं से उनको नहलाने लगे और बोले भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य, कह रहे हैं भाई तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो, यानी उन्हें दो चीज़ों में कन्फ्यूजन था कि या तो ये मनुष्य है या फिर साधारण या फिर देवता। तो यहाँ ये बात क्लियर होती है कि वानर का तो यूज ही नहीं है यहाँ पर, सही है। अगर वो वानर होते तो तीन चीज़ें बोलते कि भाई तुम कोई वानर हो या मनुष्य हो या देवता हो, उन्होंने बोला भाई तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो, क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे हनुमान जी, समझ रहे हैं आप। अब कह रहे हैं भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा कर कर यहाँ पधारे हो, सौम्य तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है इसके बदले में मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं, मुझे तो कोई ऐसी बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो, समझ रहे हैं।
भरत जी कह रहे हैं यार अपने पास तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तूने जो समाचार सुनाया है तुमने हनुमान की, ऐसी में कौन सी चीज है जो तुम्हें दे दूं। फिर कह रहे हैं तथापि फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, यानी 100,000 गायें दी, 100 उत्तम गांव दिए, तथा उत्तम आचार विचार करने वाली 16 कुमारी कन्या पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। भरत जी ने हनुमान जी को 16 कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करी। ये तो उनसे हटकर है, आपको पता है, जो और लोग बताते हैं, समझ रहे हैं। उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान थी, उनकी नासिका सुधय अरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान था, यानी बहुत सुंदर थी वो नारियां। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार आभूषणों से विभूषित होंगी, यानी इतनी चीजें हनुमान जी को भरत जी ने उस टाइम दी इन पहले वाली पत्नियों से अलग। तो क्या किसी ने आपको ये बात बताई है अभी तक? दिल पर हाथ रख के बताना प्लीज, झूठ मत बोलना। ऐसे ही हमने अपने धर्मशास्त्र को जाना नहीं है, हमने अपने देवताओं के बारे में भी पूर्ण जानकारी नहीं रखी, और आज हनुमान जी के नाम पर तो चमत्कार भी होते हैं, बड़े बड़े भक्त आपको क्या क्या बातें बताते हैं, लेकिन ये बात क्या आपको किसी ने बताई? कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, अपने भाई का मोटिवेशन बढ़ाइएगा। ऐसी ही बातें मैं आप सबके सामने लाता रहता हूँ, धर्मशास्त्रों के रहस्य आप सबके सामने लाता रहता हूँ, जो आपको ना तो गूगल बताएगा ना आज का आदमी बताएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और अभी के अभी इसको शेयर करो। हर हर महादेव।